बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही प्यारा पार्टी वेयर ड्रेस बना रहे हैं टेल स्टाइल में। इसके लिए मटेरियल हमें चाहिए। हमने ये 6 बेजेस लिए हैं और ये 4 बटन है नंग वाले, और ये लेस है हमारे पास। इसमें 2 कंट्रास है, एक ग्रे कलर का एक वाइट कलर का। हमने कटिंग कर ली है इस तरह से। ये हमारी बाजू है और ये हमारी शर्ट है। हमने टेल स्टाइल कटिंग की है। अब हम आइए स्टार्ट करते हैं। हम फ्रॉक स्टाइल दे रहे हैं इस शर्ट को, तो इसके लिए हम पेटी की मेज़रमेंट करेंगे। हमारी 11.5 इंच है पेटी की नाप। हम बैक साइड और फ्रंट साइड निशान लगाएंगे, क्योंकि इस पे कड़े लगेंगे ऊपर से। दोनों साइड हम निशान लगाएंगे। हम कड़े बनाने के लिए पट्टी को कटिंग करेंगे और अब हम इसको सिलाई करेंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। हमने इस तरह से पट्टियां बना ली है। अब हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट के लिए हमने 3 इंच कपड़ा लिया है विद वेद में, और लेंथ में हमने 1.5 मीटर का कपड़ा लिया है। इसको इस तरह फोल्ड करके इसी तरह थोड़ी सी तिरछी सिलाई करके फिर हम सिलाई करेंगे। इसको भी हम फोल्ड करेंगे। हमने बेल्ट को फोल्ड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। हमने एक तरफ से ये बंद कर दिया था और दूसरी तरफ से खुला हुआ था। इसके लिए हम ऊपर से सिलाई करेंगे, तो इस कपड़े को अंदर करके ऊपर से सिलाई करेंगे। हमने बेल्ट की सिलाई ऊपर से कर दी है। अब हम बेल्ट के हिसाब से ये पट्टियाँ 6 हमने कटिंग की है, जो इस तरह से कमीज पे अटैच करेंगे। इसके लिए हम कमीज को सेंटर से निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने निशान लगा दिया है पेटी के ऊपर। अब इस तरह से हम अटैच करेंगे ये पट्टियाँ, फिर हम लास्ट में बेल्ट इसमें लगाएंगे। हम इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करके और जहाँ हमने इसके ऊपर वह निशान लगाया है उसके ऊपर रख के हम सिलाई करेंगे। हम इस तरह से फ्रंट और बैक साइड पे हम लगाएंगे पट्टियाँ। दूसरी साइड भी सिलाई करेंगे और इसी तरह से हम फ्रंट और बैक साइड पूरी पट्टियाँ अटैच करेंगे। हमने इस तरह से पट्टियाँ लगा दी है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। हम बोट नेक बना रहे हैं। इसके लिए हम वेद में 2.5 इंच लेंगे और लेंथ में 2 इंच लेंगे। और इन निशानों को आपस में मिला देंगे और कोने से 1 इंच का निशान लगा के अब इसको गोलाई देंगे। और हम दूसरे कपड़े पे इसको लगाएंगे। हमने दूसरे कपड़े पे बुकरम को अटैच कर दिया है और हमने खाली कपड़े पे एक तरफ से सिलाई की है, क्योंकि ये लेस जो हम लगाएंगे इस तरफ लगाएंगे। हमने लेस अटैच कर दी है। अब हम सिर्फ लेस को ही छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, कपड़े को नहीं, सिर्फ लेस को लगाएंगे। हमने इस तरह से नेक लगाई है एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके, फिर हम छोटे कट लगाएंगे। हमने इस तरह से लेस अटैच कर दी है। अब हम इसकी दूसरी सिलाई करेंगे, जो पीछे से हमने पट्टी को फोल्ड किया है।
हमने फ्रंट वाली नेक बना दी है। अब हम बैक साइड वाली नेक कटिंग करेंगे। हम लेंथ में सिर्फ 1 इंच का ही हम कटिंग करेंगे। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे और बैक साइड वाली नेक बनाएंगे। हमने नेक बना लिया है, अब हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। हम दामन की फोल्डिंग करेंगे। ये हमारी लेस फोल्डिंग की जगह पे हम लगाएंगे। इसके लिए हमने दामन की पहली सिलाई नहीं की है। हमने इस तरह से पहली सिलाई कर दी है। अब हम इसको पीछे से फोल्ड करके दूसरी सिलाई करेंगे। हमने स्लीव पे ये लेस लगा दी है। अब हम दोनों हिस्सों को अटैच करेंगे। हम थोड़ा सा एक के ऊपर एक रखेंगे। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे इस तरह से। हमने सिलाई का काम मुकम्मल खत्म कर दिया है। अब हम बेजिज लगाएंगे इस तरह से। और ऊपर से हम नग वाला ये बटन लगाएंगे। हम स्लीव पे भी लगाएंगे ये बेजेस। फिर आपको हम फाइनल लुक दिखाएंगे कमीज की। हमने ये बेजेस और नग वाले बटन लगा दिए हैं स्लीव पे और सामने गले के साइड पे लगा दिए हैं। अब हम बेल्ट लगाएंगे। हमने कुछ इस तरह से अटैच किया है। पीछे से हमने जो पट्टियां लगाई थी उस पे क्रास करके, अब आगे से भी क्रास करके, फिर हमारी जो आगे की जो सेंटर वाली पट्टी है उसके हम इधर भी लगाएंगे और इधर साइड वाला इसके नीचे से क्रॉस करके इधर साइड करेंगे। फिर अब जहाँ भी आपकी फिटिंग हो उसके हिसाब से हम इधर गार्ड बांध देंगे। इस तरह से ये हमारी फाइनल लुक रेडी है। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।